गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। आज के लिए मिस्टर रूम से और टाइम हो चुका है सवा सात और मैं हो गई हूँ रेडी ना धोके और जाऊँगी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो दोस्तों मेरे व्लॉग में चलिए दोस्तों चलते हैं किचन में, क्या बनाएंगे आज देखते हैं। देखिए दोस्तों बारिश लग रही है और ये भी जा रहे हैं ड्यूटी और दोस्तों बनी रही व्लॉग में। बारिश लड़ के बहुत तेज़ी बारिश देखिए। दोस्तों दूध भी गर्म हो चुका है, कब मैंने कब करके बचा गैस में और वही गर्म हो चुका है। आज मैं बनाऊंगी पनीर और आलू के परांठे और मैंने उनका जो रेडी पेटी उसको तैयार कर दी है और इसको मिक्स करूंगी अब थोड़ी देर में। पहले मैं आटा लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं इनको मिक्स कर लेती हूँ। पहले बनाएंगे खाने से पहले देखिए तो किस तरह की वाली वो गैस निकली। मैं चूल्हे के लिए चुनी नहीं देती, वो खाना निकली। Thank you.
परांठे को देखो कैसा कैसा डिजाइन बन रहा है इसका। हंसी आ रही मुझे तो। परांठे को बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा बन चुका है। कोई बात नहीं, पेटी में जाने के लिए देखिए दोस्तों। फाइन देखिए दोस्तों, फाइन ये मेरा परांठा बन चुके हैं। चाय की और परांठा, वाओ यम्मी। आ जाओ दोस्तों आप भी खाने के लिए यम्मी यम्मी परांठे। देखिए दोस्तों, मैं आ रही हूँ छत में और मैंने नाश्ता कर लिया है और मैं बर्तन नहीं धोए अभी, तो अब नीचे जाके धोऊंगी। और मैं छत में आ रही हूँ और यहाँ कल रात से बारिश हो रखी है। देखिए दोस्तों कैसा मौसम, अच्छा सा मौसम हो रखा है। थोड़ा हल्की ठंडी होने लगी, इसलिए ठंडा लगा मुझे आज, तो मैंने स्वेटर पहन ली थी। तो देखिए दोस्तों मैं बताती हूँ आपको। कितना अच्छा लग रहा है बारिश। यहाँ से तो कुछ व्यू नहीं दिखता है क्योंकि हमारा घर ऊपर भी, ऊपर वाले छत में भी जाऊँगी फिर भी व्यू नहीं दिखता है व्यू, क्योंकि आर पार तो सारे घर ही हैं। इसलिए मैं छत में आ रखी थी ऐसे आपको दिखाने के लिए, क्योंकि कल रात यहाँ बारिश आई थी तो अभी बारिश नहीं लग रखी है। कि दोस्तों आज अभी बारिश तो नहीं लग रखी, बारिश बंद हो चुकी है क्योंकि सुबह तक बारिश लग रखी थी और अभी नहीं हो रही है अब। अरे हो दोस्तों, तो मैं चलूँगी अब नीचे, बर्तन धोती हूँ और उसके बाद आपको मिलूँगी। दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में और गैस की सफाई करूँगी, पूरे बर्तन को धोती हूँ। और चलिए दोस्तों इसको साफ करते हैं। कि दोस्तों अंशी हो गई रेडी, ये अभी उठी थोड़ी देर पहले और इसको रेडी कर दिया है जी ने। और आज आ रही है बहुत तेज बारिश। तुम भी करा हेलो हेलो ये है मेकअप का सामान और अंशी उसके साथ खेल रही है। अंशी देखो इधर, अंशी 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 इधर देख ही नहीं रही है, वो अपने खेल में व्यस्त है। देखो उसने देखा ने। ये दोस्तों मैं जा रही हूँ छत में और ऐसे देखने के लिए बारिश लग रखी है, बहुत तेज बारिश लग रखी है और मैं जा रही छत में। अभी तो मोटी बारिश नहीं आ रही है, हल्की बारिश लग रखी है पर हो रखी है बारिश। आज मौसम हो गया ठंडा। दोस्तों ऊपर वाले छत से दिखाती हूँ आपको, वहाँ व्यू दिखाई ऐसे मोटी बारिश रखी है और छतर की पूरी खिली, इसलिए मैं यहीं पर रहती हूँ। ये देखो बारिश लग रखी है, अच्छा हो रखा मौसम बस।
ठंडी भी हो रही है, हल्की हल्की ठंडी होने लग होने तो लग नहीं है। मैं अभी थोड़ा सा कि दोस्तों मैं आ गई हूँ ऊपर वाली छत में और यहाँ अच्छी सी हवा चल रही है और तो अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी बारिश भी हो रही है। देखिए दोस्तों तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊंगी, रील्स बनाती हूँ ऊपर जाके छत में, पर कोई है नहीं मेरे साथ तो किसके कैसे मैं बनाऊँ, अकेले के तो बना ही नहीं जाएगा, तो इसलिए देखते हैं अभी। तो मैं अभी चलती हूँ नीचे क्योंकि आज तो बारिश रखी है, छत में भी रह सकती तो चलती हूँ नीचे दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में और टाइम हो चुका है 12:30 और मैं खाना बनाने में कई दिन का, तो मैंने एक गैस में रख दिया चावल और दूसरे में रख दिया दाल, तो दाल तो मैंने छौंक दी है और चावल अभी रख दिए। तो दोस्तों अभी क्योंकि सुबह से लाइट थी नहीं इसलिए मोटर आप चला रही हूँ, तो मैंने पानी भर लिया है और मैं बाहर जा रही हूँ मोटर बंद करने के लिए। अभी जब आवाज आएगी तो उसके बाद बंद कर दूँगी, तो मैं चलती हूँ बाहर। दोस्तों मैंने ऑन कर लिया क्योंकि हमने तो भर तो लिया है पानी पर अभी मोटर, ऐसे दोस्तों हमने तो भर लिया है पानी पर मोटर नहीं भरी है, तो जब मोटर आवाज़ दे देगी तो उसके बाद हम बंद करेंगे मोटर भर जाएगा। तो तब तक मैं बाहर पे रहती हूँ। देखो रोड भी क्या ऐसी हो चुकी है, पानी पानी रोड में पानी पानी भर चुका है और साथ में देखो हमारे गली में कुत्ते भी रहते हैं, तो देखिए दोस्तों कैसे आ रहे हैं वो हमारे घर पे आते क्योंकि हमें देते हैं वो खाना और कोई नहीं देता, तो आ गए हैं कि कुछ मैं कुछ दे रही हूँ, कुछ मैं बल हाई नहीं, दूसरे भी आ गए हैं पर मैं तो कुछ लाई नहीं क्योंकि रोटी थी मैं सुबह इनको दी थो, उन्होंने खाई नहीं और आए भी नहीं क्योंकि बारिश लगी तो आए नहीं, पता नहीं कहाँ थे, खराब आ रखे हैं। तो देखती हूँ रोटी होगी तो मैं इनको रोटी देती हूँ दोस्तों। कि दोस्तों ये हमारा गार्डन है जिसमें हमने लहसुन लगाई थी, लहसुन देखो लहसुन कैसे उनके बहुत सारी लगाई थी पर हुई नहीं, थोड़े थोड़े रखे 2-4-5 हो रखे हैं। और देखिए दोस्तों कैसा हो रखा है हमारा जो गार्डन, गार्डन में कुछ और नहीं लगा रखे और उसमें थोड़े से वो लगा रखे लगले और वो भी हो रहे हैं। तो और ये है बेल, ये है बेल देखे दोस्तों, मोटर चल रखी है। देखिए दोस्तों मैंने चावल बना दिए, चावल अभी पक रहे हैं और दाल थड़क रही है और साथ में मैं बनाऊंगी रोटी जी सासू जी के लिए और मैंने ककड़ी निकाल दी है साथ में दही है देखिए दोस्तों, तो अभी मैं रायता बनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों अभी तो खाना बन ही रहा है। देखिए दोस्तों मैंने खाना बना दिया है, मैंने दाल चावल और रोटी बना दी है और मैं बनाऊंगी रायता, तो दोस्तों मेरे साथ बनी रही है। तो हमारा सादा नहीं होता, सादा ही रहते बनाएंगे, मुझे वैसे अच्छा लगता नहीं है, मुझे अच्छा है। तो बस पत्ती भी तोड़ी और दही डाली नमक ऐसे ही मतलब बनाते हैं, वो कोई मैं कड़ा कड़ा तोड़ कर देते हैं तो मैं नहीं देती, मैं बस सिंपल ही बना रही हूँ। होने वाला है इसमें मैंने दही डाल दी है और इसमें डालूँगी नमक और मिर्च, बस ये दोनों डालूंगी, इसको मैश कर देती हूँ। रायता भी एकदम रेडी हो चुका है, रायता भी बन चुका है और मैं सलाद कर लेती हूँ, ककड़ी कर लेती हूँ, तो दोस्तों बनी रही है। सैलेड स्टार्ट कर लेती हूँ, सैलेड काट लिया मैंने। दोस्तों खाने की तैयारी हुई पर अभी 1:30 बजे तक खाएंगे, तो चलते हैं, मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। देखिए दोस्तों मैं उठ चुकी हूँ और टाइम हो चुका है 4:30 और मैंने उस टाइम ब्लॉग नहीं बना पाई खाना खाने के बाद, तो मैं अब बना रही ब्लॉग, तो मैं उठ चुकी हूँ और अभी उठी और अब आपको मिलूंगी थोड़ी देर बाद। देखिए दोस्तों मैं हो गई रेडी, मैंने अपनी चोटी बांध ली है और अभी ससुर जी ने बोला कि चाय बना दो, तो मैंने चाय बना दी उनके लिए, तो अभी मैंने वो चाय दे के आ गई अंदर और बर्तन धो दिए हैं। तो दोस्तों अब क्या पता अगर मैं छत में जाऊंगी तो मैं कि दोस्तों अभी हो गई रेडी घूमने के लिए, तो क्या पता जाती है जी के साथ घूमने के लिए, वैसे तो ठंड है आज नहीं जाएगी, क्या पता छत में जाए। तो
दोस्त। देखो जी चले गए हैं दोस्तों सब्जी लेने के लिए और अंशी उनको देख रही है कहाँ जा रहे, मुझे नहीं जा रहे, घूमी घूमी और जी चले गए हैं सब्जी लेने के लिए। ना कैसे हो आप सर? राधे राधे कर दे, राधे राधे कर दे, राधे राधे कर दे, दोनों हाथों को मसाज करो, राधे राधे करो करो। चल रहे हैं ऊपर अंशी को लेके जा रहे हैं छत में। ऐसे तो आज ठंड का मौसम है पर ले जा लेती हूँ छत में इसको घुमाने के लिए। ऐसी मैं आई नीचे वाले छत में तो मौसम और का था बेकार क्योंकि आज धूप तो निकली नहीं क्योंकि आज सुबह से तो लगी थी बारिश और अभी आई छत में तो मौसम और का खराब। अरे बगल वाले घर के किसी का कुत्ता देखे, इसका नाम है शोफी। शोफी देखो शोफी कैसे दिख रहे हैं हमें, क्यूटी से बेबी है ये। अच्छा बहुत सुंदर, अच्छा कुत्ता है। शोफी बोल के सीधे दिख लेते हैं, उसको पता है ना मेरा नाम शोफी है। देखिए दोस्तों अंशी को देखो क्या कर रही है अभी, तो ठंड है तो उसमें मैंने जुलाब पहना देखे क्योंकि उनको तो थोड़ा ठंड लगती है ना, इसलिए जी ने बोला उनको जुलाब पहना दी। उसको बोल जुलाब तो संभाल भी दिए थे पर निकालने पड़े अंशी के बहाने। तो अंशी देखो दोस्तों खेल रही है, उसको देखो निकालने लग रखी है क्योंकि ऊपर आए उन्होंने मुझे। अंशी देखो बेबी इधर करो, इधर देखो, इधर देखो, तो अंशी देख नहीं रही है। चलो कोई बात नहीं, आपको मिलेंगे हम थोड़ी देर में, मिलते रहेंगे आपको थोड़ी देर में। गई अंशी को और हम क्योंकि यहाँ थोड़ी हवा चल रही है तो जी ने कहा कि अंशी को नीचे लेके आ जाओ क्योंकि अंशी के थोड़ा ठंड है तो नीचे चली गई है। मैं आ जाऊँ थोड़ी देर में, अच्छा सा व्यू आ रहा है, व्यू भी नहीं आ रहा है पर मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको। देखिए दोस्तों बारिश का मौसम तो हुआ है तो क्या पता शाम तक बारिश हो जाए रात तक। देखिए दोस्तों मैं थी छत में और अभी 6:15 हो रही है और यहाँ पर ही बारिश आने लग गई। देखिए बूंदे बांदी होने लग गई है तो दोस्तों मैं चलती हूँ नीचे क्योंकि बारिश आने लग गई है, तो मैं चलती हूँ नीचे। चलिए दोस्तों मेरे साथ नीचे क्योंकि मौसम भी ठंडा सा होने लग। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ, तो मैं आ गई हूँ नीचे वाले छत में और बारिश होने लग चुकी हो रही है, बूंदे बांदी हो रही है और मैं चलूँगी नीचे और अब मैं पूजा करने पूजा करूँगी 6:30 से। चलो दोस्तों नीचे। देखिए दोस्तों मैं आ गई हूँ नीचे रूम में और अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने रूम में। तो यहाँ देखो दगड़ियों तो अंशी रो रही है और सब हाई करो, हाई करो रिया रिया बासु हाई करो, हाई करो, तुम भी कर दे हाई है हाय। ये देखते नहीं है फोन में तो दोस्तों जो अब मैं करूँगी पूजा और अंशी भी चलेगी मंदिर में। चलो अंशी मंदिर में चलते हैं। देखिए दोस्तों चलते हैं मंदिर में और अब मंदिर में चले गए हैं और अंशी को ला गई मंदिर में। पर अंशी को तो यहाँ लाते ही अंशी सारा सामान बिखेर देती है क्योंकि इसको पता नहीं खींच देती है सारा सामान और इसलिए इसको मैं बैठा देती हूँ यहाँ पर। और चलो दोस्तों मैं पूजा करती हूँ उसके बाद मिलती हूँ आपको।
देखिए दोस्तों, मैं चाय पी ली है और मैं सब्जी बनाऊंगी आज, लौकी और आलू की, और साथ में बनाऊंगी दलिया। तो दोस्तों ये हमारा दलिया, तो दलिया बनाऊंगी। और आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आज का जो ब्लॉग है आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं कल मिलूँगी एक अच्छे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।